हुआ वही सब जो हमने सोचा था, हुआ वही सब जिसका हमने सोशल मीडिया में लगातार रिएक्शन देखा था। क्या हुआ था? दरअसल दोस्तों, कहा यह जा रहा था कि रश्मि देसाई उमर रियाज के जान कर आगे पीछे घूम रही हैं, क्योंकि रश्मि को एक सपोर्टर चाहिए। काफ़ी सारे फैंस ने कहा कि देख लेना, जब उमर से लड़ाई होगी या फिर उमर बाहर आएगा तो डेफिनेटली ये फिर दोबारा किसी एक का साथ लेती हुई नज़र आएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सारी जनता कह रही है। वो सारा रिएक्शन आपके सामने एक सच्चाई के साथ में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों वही हुआ, उमर रियाज घर से बेघर हो गए हैं फ्राइडे में। उसके बाद से रश्मि देसाई अकेली पड़ गए। भाई करना है तो क्या करना है, अब कैसे 24 घंटे मेरे कटेंगे एक दिन के? वो मेरे लिए एक दिन कितना भारी पड़ जाएगा ये मैं ही जानती हूँ। मगर दोस्तों सच्चाई ये है कि रश्मि देसाई ने करण कुंद्रा का साथ लेना पसंद किया। रश्मि देसाई चाहती हैं कि मैं करण का साथ दूं, करण मेरा साथ दे। जब तक हम इस गेम के अंदर बरकरार रहें तो डेफिनेटली मैं करण कुंद्रा का साथ दूंगी। मगर उधर तेजस्वी को ये सब चीज़ पता चल गई है। तेजस्वी को साफ साफ पता चल गया कि भैया रश्मि देसाई अब तेरे पास ही आएगी करण, तो इसलिए करण को पहले अवेयर कर दिया, करण को पहले ही रश्मि के अगेंस्ट भड़का दिया। मगर रश्मि देसाई अभी भी नहीं मान रही। लाइफ वीक के दौरान मैं करण कुंद्रा का साथ ले रही हैं और उनका साथ दे भी रही हैं। कुछ देर से अगर मैं नोटिस करूं तो कुछ देर से रश्मि देसाई करण कुंद्रा के बिल्कुल बगल में चिपक कर बैठी हुई है। इसका मतलब कहने का ये नहीं कि गलत है, मतलब ये है कि जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे थे वो सब मैंने आपसे सच्चाई के सामने जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो सब चीज़ें शेयर करी हैं। क्या ये सही है या फिर नहीं, ये मुझे आप ही बताइए।